हमारे पास टू तरह के टू टू तरह टू टाइप्स की सॉरी एपिक होती है, प्राइमरी और लिटरेरी। प्राइमरी को हम लोग ओरल एपिक कहते हैं, सबसे पहला एंड्रॉफ एपिक। सेकेंड जो है हमारे पास उसको हम लोग लिटरेरी एपिक कहते हैं। तो यहाँ पे स्टॉप कर दूँ, मैंने करेक्टरिस्टिक्स बताए, उन करेक्टरिस्टिक्स में अगर हम लोग समराइज करके लिखे ना तो सेम मतलब टू द पॉइंट वर्ड निकलता है, वो लॉन्ग नरेटिव पोएम, ग्रैंड स्टाइल, ग्रैंड सेटिंग, ग्रैंड थीम, ब्लैंक वर्ड्स की फॉर्म में, बैक स्टोरी, कंफ्लिक्ट, बैटल एंड मोरल एंडिंग, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, ये चीज़ निकलती हैं बस। प्राइमरी और ओरल की, प्राइमरी और सेकेंडरी की बात की जाए तो प्राइमरी जो बिल्कुल शुरू से चलती है, इसको हम लोग ट्रेडिशनल एपिक कहते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी एपिक एक ऐसी टाइप एपिक की जिसमें ट्रेडिशन शुरू होता है, एपिक का ट्रेडिशन, ठीक है, मतलब कि कैसे लिखना है, जो सारा क्लासिकल एपिक है, ठीक है, क्लासिकल एपिक को प्राइमरी एपिक कहते हैं। सेकेंडरी में क्या होता है, इसमें बेसिकली जो प्राइमरी एपिक है ना उसके एलिमेंट्स को इमिटेट किया जाता है, कॉपी किया जाता है। प्राइमरी एपिक में क्या होता है, एपिसोड्स जो है ना एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, और ये एपिसोड्स ओरल ट्रेडिशन से लिए जाते हैं। इस वजह से इसके अंदर लूजनेस भी होती है और एक प्रॉपर कोहेरेंट प्लॉट नहीं होता, जबकि सेकेंडरी एपिक में क्या होता है, ये लूजनेस मौजूद नहीं होती। अब प्राइमरी एपिक जो है उसमें हम लोगों को सेवेज रूड हीरोइज्म नज़र आता है, लेकिन सेकेंडरी एपिक के अंदर हम लोगों को रिफाइंड टेस्ट नज़र आता है। प्राइमरी एपिक में सुपरनेचुरल एलिमेंट जो है बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, जबकि जो लिटरेरी एपिक है उसके अंदर सिग्निफिकेंट रोल नहीं प्ले करते, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है उनके अंदर। होमर की इलियड और ये ओडिसी की जो बुक है ये प्राइमरी एपिक्स के एग्जाम्पल हैं, और वर्जिल की एनियड्स, डेंटे की डिवाइन कॉमेडी, मिल्टन की पैराडाइज लोस्ट, ये सेकेंडरी एपिक्स के एग्जाम्पल है। क्लियर?